दिख रहा है सबको? हाँ यस तो आज स्टार्ट करेंगे हम एडवांस क्लास मॉडलिंग। पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें इनमरेशन। सो अ डेटा टाइप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यूज। डेटा टाइप्स इंक्लूड नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड इनमरेशंस। ठीक है, तो हम जनरली डेटा टाइप में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नंबर्स इंक्लूड करते हैं, स्ट्रिंग्स इंक्लूड करते हैं, इनमरेशन करते हैं। एंड इनमरेशन इज अ डेटा टाइप दैट हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो जैसे हम इनम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो हम क्या करते हैं एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करते हैं नेम कॉन्स्टेंट देते हैं। ठीक है, तो वही हमें क्या करना है, अगर हमें इनम डिफाइन करना है तो हमें कैसे डिफाइन करना है यूएमएल में, वो हमें पढ़ना है। सो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग मॉडल यू शुड केयरफुली नोट इनमरेशंस बिकॉज दे ऑफन ऑकर एंड आर इम्पॉर्टेंट टू यूजर्स। यूजर्स को इनमरेशन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो इनमरेशंस आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर एन इम्प्लीमेंटेशन। यू मे डिस्प्ले द पॉसिबल वैल्यूज विद ए पिक लिस्ट। ठीक है, तो यूजर के पास एक पिक लिस्ट होनी चाहिए एंड यू मस्ट रिस्ट्रिक्ट डेटा टू दी लेजिमेटेड वैल्यूज। तो इन्हीं वैल्यूज में से वो क्या करेगा, वो लेगा, इनके अलावा कोई वैल्यूज वो क्या करेगा पिक नहीं करेगा। तो जब इन इनमरेशन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हमें क्या करने पड़ते हैं कि वो जो नेम कॉन्स्टेंट है उनसे वही वैल्यूज हमें जो वैल्यूज हमें उन पर्टिकुलर इनमरेशन कॉन्स्टेंट से ही हमें क्या करनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी। सो इन दी यू एम एल एंड इनमरेशन इज एन डेटा टाइप एंड यू कैन डिक्लेयर एन इनमरेशन बाई लिस्टिंग द कीवर्ड इनमरेशन इन दी गिलमेट्स, मतलब एक सिम्बॉल दिया हुआ है अबाउ द इनमरेशन नेम इन द टॉप सेक्शन ऑफ द बॉक्स एंड द सेकेंड सेक्शन लिस्ट द इनमरेशन वैल्यूज। तो पहले आपको इनमरेशन कॉन्स्टेंट का नाम बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इनमरेशन कॉन्स्टेंट है और उसके बाद उनकी वैल्यूज बतानी पड़ेगी। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लास क्रिएट की है। ठीक है, क्लास जो है वो क्या है, क्लास का नाम जो है वो है कार्ड। ठीक है, दिस इज माई क्लास नेम एंड दिस आर टू एट्रीब्यूट सूट एंड रैंक। ठीक है, दो हमने क्या किया इसमें एट्रीब्यूट डिफाइन किया है। अब इन पर्टिकुलर सूट एंड रैंक को हमने क्या किया है, हमने बनाया है इनको इनमरेशन। ठीक है, तो पहला इनमरेशन है सूट, उनकी वैल्यूज जो है वो है स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। सिमिलरली सेकेंड इनमरेशन हमने बनाया है वो है रैंक, और जिसमें हमने बना रहे हैं एस, किंग, क्वीन। तो ये क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम ये क्या कर रहा है, आपको रैंक शो कर रहा है। क्लियर है, और ये बोल रहा है कि डू नॉट यूज जनरलाइजेशन टू कैप्चर द वैल्यू ऑफ एन इनमरेशन टाइप। तो आप इनमरेशन में कभी भी जनरलाइजेशन यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बनाया कि कार्ड, उसके दो एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किए थे सूट एंड रैंक, तो यहाँ पर हमने एक ही एट्रीब्यूट रखा रैंक और दूसरा हमने जनरलाइज्ड हायरार्की बना दी ऑन द बेसिस ऑफ सूट। तो ये आप यूज नहीं करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ये जो पर्टिकुलर डिराइव क्लासेस हैं या सब क्लासेस हैं इनमें कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सके, या एक्स्ट्रा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सके। एवरी वन हैज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कॉल्ड रैंक, और इनमें जो भी मेथड्स होंगे वो सारे मेथड यहाँ से इनहेरिट होके आ रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा मेथड यहाँ पे नहीं है। एक्स्ट्रा मेथड नहीं है तो उसके समय मैं आप जनरलाइजेशन हायरार्की यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक ही क्लास यूज़ करूँगा और इनके पर्टिकुलर इनमरेशन को मैं क्या करूँगा अलग से डिफाइन करूँगा। क्लियर है, तो यही बोल रहा है कि एन इनमरेशन इज मेयरली अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जनरलाइजेशन इज मीन्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। You should introduce generalization only when at least one subclass has significant attributes, operations and association that do not apply to superclass. मतलब superclass में जो operations हमने define किए हैं और इसमें जो operations हैं वो उसमें कुछ ना कुछ difference होना चाहिए, तभी मैं generalization use करूँगा, otherwise मैं generalization use नहीं करूँगा। Clear? नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिसिटी ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर क्लास डायग्राम बना रहे थे, उन क्लास डायग्राम में हम क्या कर रहे थे, दो क्लासेस डिफाइन कर रहे थे, एक क्लास ए और एक क्लास बी, और इन क्लासेस में हम क्या कर रहे थे, एक एसोसिएशन डिफाइन कर रहे थे और इसमें हम डिफाइन कर रहे थे वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ एसोसिएशन हम क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर
एट्रीब्यूट में भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लिसिटी फॉर एन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर द ईच इंस्टेंशिएशन ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें कितनी वैल्यूज हम स्टोर करेंगे वो हमारा डिफाइन करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे हमने ईआर डायग्राम में पढ़ा था सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करनी है अपने एट्रीब्यूट्स में कि वो एक वैल्यू कंटेन करता है कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज कंटेन करता है। सो द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकेशन आर मैंडेटरी सिंगल वैल्यू। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के एंड में आपने डाल दिया वन, दैट मीन्स मैंडेटरी वैल्यू है और उसमें एक ही वैल्यू हम स्टोर करेंगे। एंड ऑप्शनल सिंगल वैल्यू, तो जीरो डॉट डॉट वन कर दिया है मतलब मिनिमम वो जीरो वैल्यू लेगा और मैक्सिमम वो वन लेगा, ठीक है। तो जीरो वैल्यू लेगा मतलब इट इज ऑप्शनल वैल्यू, हम उसमें नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, अगर हम दे रहे हैं तो एक ही वैल्यू देंगे। एंड दिस इज मैनी, अगर हमने स्टार लिख दिया दैट मीन्स मैनी, ठीक है। सो स्टार इज सेम एज जीरो डॉट डॉट स्टार, दैट मीन्स वो एक भी वैल्यू नहीं ले सकता है या फिर वो एक वैल्यू ले सकता है या तो फिर वो कितनी भी वैल्यूज वो कंटेन कर सकता है, क्लियर है। एंड मल्टीप्लिसिटी स्पेसिफाइज वेदर एन एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी और ऑप्शनल। तो मैंने जैसे ही कहा कि आपने यहाँ जीरो स्टार्ट किया मतलब वो हो गया ऑप्शनल, और जहाँ आपने वन लिखा है दैट मीन्स हो गया वो मैंडेटरी, ठीक है। तो ईआर डायग्राम जब हम पढ़ते थे तो उसमें हम नल एट्रीब्यूट पढ़ते थे, ये वही हमारा नल एट्रीब्यूट हो रहा है अगर हम ऑप्शनल एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन कंटेन नल वैल्यूज। And multiplicity also indicates if an attribute is single valued or it can be a collection. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि single valued attribute and multi valued attribute के लिए हमने define करना है, तो अगर एक ही value store कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे single valued attribute, और एक से ज़्यादा value store कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे collection of values या collection attribute. And if not specified, मतलब अब हमने किसी में भी specify नहीं किया है, then an attribute is assumed to be a mandatory single value. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे एक क्लास बनाई गई है हमारी, क्लास का जो नेम है वो क्या है, पर्सन। सो पर्सन इज एन, दिस इज एन क्लास नेम, क्लियर। एंड दिस आर द एट्रीब्यूट्स, दिस आर ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब इन पर्टिकुलर पर्सन में मैंने नेम डिफाइन किया है, नेम इज ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें हमने मल्टीप्लिसिटी बोली है वो वन, दैट मीन्स इट कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू एंड इट इज मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी टू कंटेन अ पर्टिकुलर पर्सन नेम। सेकेंड एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया है एड्रेस, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इसकी मल्टीप्लिसिटी हमने डिफाइन किया है वन डॉट डॉट स्टार, दैट मीन्स it can contain minimum one value and maximum it can contain any number of values, clear? That means this is an single valued attribute and this is an multi-valued attribute, clear? Similarly phone number, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड हमने दिया है स्टार, स्टार मतलब है ये कि जीरो डॉट डॉट स्टार है, दैट मीन्स मिनिमम जीरो वैल्यू एंड मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। सो अगेन इट इज ऑफ टाइप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बट इट इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ठीक है। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि वो एक वैल्यू ना भी कंटेन कर सकता है, मतलब पर्सन के पास जरूरी नहीं है कि फोन नंबर हो ही, दैट मीन्स इट कैन कंटेन नल वैल्यूज। सिमिलरली नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बर्थ डेट, इट इज ऑफ टाइप डेट एंड डेट एक वैल्यू आप कंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अगेन अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें हर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में हमें क्या करना है, उनकी मल्टीप्लिसिटी भी डिफाइन करनी है, और अगर हमने मल्टीप्लिसिटी डिफाइन नहीं की है तो यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि इफ मल्टीप्लिसिटी इज नॉट डिफाइंड देन इट इज एन मैंडेटरी सिंगल वैल्यू, ठीक है। अगर हमने नहीं दिया तो वो क्या करेगा, मैंडेटरी सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा, एक वैल्यू वो कंटेन करेगा ही।
नेक्स्ट आ जाते हैं विजिबिलिटी. सो विजिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मेथड और रेफरेंस अ फीचर फ्रॉम अनदर क्लास एंड हैज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पैकेज. ठीक है, तो जैसे हम एक पर्टिकुलर क्लास में हम क्या करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं और कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं, तो उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और मेथड का हम एक विजिबिलिटी भी बताते हैं कि वो प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है कि पब्लिक है. ठीक है, अगर मैंने किसी को प्राइवेट बना दिया दैट मीन्स इट कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द क्लास थ्रू मेथड्स एंड इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे सी प्लस प्लस में. अगर हम जावा में पढ़ते हैं तो भी वो सेम रहता है. ठीक है, लेकिन जावा में क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर जो है वो पैकेज में भी डिफाइंड रहता है, पैकेज में भी वो क्या करता है, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो अगर हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, प्राइवेट ले लेता है. लेकिन जावा में अगर हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ नहीं देते हैं तो उसका जो रहता है वो रहता है पैकेज विजिबिलिटी, मतलब विद इन ए पैकेज में उसको एक्सेस कर सकता हूँ. मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को क्या कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं. सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मुझे बेस क्लास से डिराइव क्लास से मुझे क्या करना है, यूज़ करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइवेट से हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया तो मैं इसको इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट एक्सेस. ठीक है, और अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो मैं कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, इट कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम. सो पब्लिक प्रॉपर्टीज आर एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास एज वेल एज इट्स डिराइव्ड क्लास, प्राइवेट ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम द क्लास एंड पैकेज, इट कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल द क्लासेस विद इन अ पैकेज. अब यहाँ बोल रहा है कि द प्रिसाइज मीनिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जैसे मैंने पहले कहा कि जावा में ये चारों होते हैं, सी प्लस में पैकेज नाम का फीचर नहीं होता है, पैकेज विजिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है. सो एनी मेथड कैन फ्रीली एक्सेस इट्स पब्लिक फीचर्स. तो पब्लिक फीचर्स को क्या है, कोई भी मेथड यूज कर सकता है. ठीक है, मतलब विद इन अ क्लास, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड इट्स डिराइव क्लासेस, हर जगह मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उनको एक्सेस कर सकता हूँ. एंड ओनली मेथड्स ऑफ द कंटेनिंग क्लास एंड इट डिसेंडेंट्स वाया इनहेरिटेंस कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड फीचर्स. तो मैंने कहा कि जो सब क्लासेस हैं वही हैं जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं. एंड ओनली मेथड्स ऑफ द कंटेनिंग क्लास कैन एक्सेस द प्राइवेट फीचर्स. तो मतलब जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वो प्राइवेट फीचर रखा गया है वही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. विद इन अ क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ क्लासेस डिफाइंड इन द सेम पैकेज एज द टारगेट क्लास कैन एक्सेस द पैकेज फीचर्स. तो मैंने कहा विद इन ए पैकेज जो क्लासेस हैं उनके मेथड्स क्या कर सकते हैं, उन पैकेज फीचर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. अब इनको हमें डिफाइन करना है हमें क्लास डायग्राम में. सो क्लास डायग्राम में अगर हमने प्लस डाल दिया किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सामने तो वो हो जाता है पब्लिक. ठीक है, अगर मैंने किसी के सामने हैश डाल दिया दैट मीन्स वो हो गया प्रोटेक्टेड, किसी में डाल दिया मैंने माइनस तो वो हो गया हमारा प्राइवेट, और किसी में हमने टिल्ड निशान दे दिया, टिल्ड नोटेशन जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है पैकेज फीचर. क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ तो मेरे पास टोटल फोर क्लासेस हैं. फर्स्ट क्लास इज अकाउंट क्लास, अकाउंट क्लास में हमने एक दे दिया है बैलेंस, तो बैलेंस जो है उसमें हमने लिखा है माइनस. माइनस मतलब दिस इज एन प्राइवेट, दिस इज माई प्राइवेट फीचर और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, एंड तीनों में मैंने क्या दिया है, इन तीनों ऑपरेशन मैंने दिया है प्लस, दैट मीन्स दिस आर ऑल माई पब्लिक मैथड्स. क्लियर है? डिपॉजिट, विदड्रॉ एंड गेट बैलेंस ऑल आर पब्लिक मैथड्स बिकॉज, क्योंकि मैंने इसमें क्या दिया है, प्लस डिफाइन किया है. ठीक है, सिमिलरली ये क्लास है अकाउंट होल्डर, दिस इज अगेन अ क्लास. ठीक है, अब इस क्लास में हमने क्या डिफाइन किया है, आई डी एंड एड्रेस, दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं और दोनों को हमने क्या दिया है, हमने दिया है हैश. हैश मतलब बोथ आर प्रोटेक्टेड, दैट मीन्स इट कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास एज वेल एज इट कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड इट्स डिराइव क्लासेस. तो इसकी दो डिराइव क्लासेस हैं, एक है इंडिविजुअल होल्डर, एक है हमारा कॉर्पोरेट होल्डर. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर
इन पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा डेटा मेंबर डिफाइन किया है, इसमें मैंने जो डिफाइन किया वो डिफाइन किया है मैंने प्राइवेट, दैट इज कॉन्टैक्ट विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इट इज एन प्राइवेट एट्रीब्यूट. सिमिलरली नेम एंड SSN बोथ आर प्राइवेट. बट इसमें जो इनहेरिट होके आ रहे हैं वो आ रहे हैं ID एंड एड्रेस. ये दोनों जो इनहेरिट होके आ रहे हैं इनको मैं इन पर्टिकुलर क्लासेस में एक्सेस कर सकता हूँ. इसमें भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, इसमें भी एक्सेस कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं मेरे. क्लियर है? तो जिसको मुझे प्राइवेट रखना है उनको मैं क्या करूँगा, प्राइवेट अगर मुझे रखना है तो उसको मैं रखूँगा माइनस. ठीक है सर, माइनस डिनोट्स प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, हैश डिनोट्स प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड प्लस डिनोट्स पब्लिक एट्रीब्यूट्स और पब्लिक ऑपरेशंस. और अगर मैं किसी को टिल्ड निशान दे रहा हूँ दैट मीन्स दैट इज माई पैकेज फीचर. और पैकेज फीचर हम जनरली जावा में ही यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में हम यूज नहीं कर सकते. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप. सो द स्कोप, सो द स्कोप इंडिकेट्स इफ ए फीचर अप्लाइज टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास. तो जनरली हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो हमारे पास टोटल 3 स्कोप्स रहते हैं. ठीक है, अगर हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, देखिए हमारे पास टोटल कितने स्कोप रहते हैं. अगर हम एक रहता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप, एक हमारे पास आता है लोकल स्कोप, एक हमारे पास रहता है क्लास स्कोप, एक हमारे पास रहता है ऑब्जेक्ट स्कोप. ठीक है, एनी वेरिएबल विच इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल द क्लासेस एंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, एनी वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इज नोन एज लोकल वेरिएबल. So this is my local variable. Clear? And next one is the class scope and object scope. ठीक है, अब अगर मैं क्लास डिफाइन करता हूं, सपोज क्लास employee, और इनके अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूं int, सपोज नेम ऑफ द employee, सॉरी यहां पे आएगा character. ठीक है, एंड float salary. ठीक है, तो फ्लोट सैलरी इज माई फ्लोट एंड सैलरी एंड कैरेक्टर नेम दिस इज माई ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल. सो इसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्कोप होगा. मतलब विद इन एक ऑब्जेक्ट ही मैं इनको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ बाई ऑब्जेक्ट नेम. लेकिन अगर मैंने कहीं पे लिख दिया स्टैटिक इंट काउंट, ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ कितने इम्प्लॉयज मेरे पास हैं. सो दिस इज माय क्लास स्कोप वेरिएबल और क्लास वेरिएबल जिसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा, क्लास होगा. दैट मीन्स अगर मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर इम्प्लॉय के अगर मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ E1, E2, E3, तो E1 में मेरे पास क्या क्या रहेगा, E1 मेरे पास रहेगा नेम सैलरी, E2 में मेरे पास क्या रहेगा, नेम सैलरी, और E3 में मेरे पास क्या रहेगा, नेम एंड सैलरी. ठीक है, जबकि काउंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही बार एलोकेट होगा और इनको ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है. क्लियर है? दैट मीन्स आई कैन राइट E1.count, आई कैन राइट E2.count एंड आई कैन राइट E3.count. बट आई कैन ऑल्सो राइट इम्प्लॉय आई कैन ऑल्सो राइट इम्प्लॉय स्कोप रिलेशन ऑपरेटर काउंट. ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है,
तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ क्लास वेरिएबल, ठीक है, क्लास वेरिएबल मतलब ये क्या होगा, विद इन अ क्लास मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और इसको मैं क्लास नेम से एक्सेस कर सकता हूँ और मैं इसको इंस्टेंस नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नेम से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्लास नेम से जैसे एक्सेस करना हो तो मैं लिखेंगे इवन स्कोप डॉट काउंट, और अगर मैं इंस्टेंस नेम से कॉल करना हो तो मैं लिखूंगा इवन डॉट काउंट। क्लियर है? सेकेंड होता है एक इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जिसको मैं इवन डॉट सैलरी, ई टू डॉट सैलरी ही लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब जो इस पर्टिकुलर इवन में एलोकेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। जबकि क्लास वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास में सारे इंस्टेंसेस में एक ही बार एलोकेट होता है। क्लियर? तो अब मुझे अगर हमारे क्लास डायग्राम में अगर हमें स्कोप डिफाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली टू स्कोप डिफाइन करते हैं, एक होता है हमारा इंस्टेंस स्कोप, एक होता है हमारा क्लास स्कोप। क्लियर? सो एन अंडरलाइन डिस्टिंग्विशेस फीचर्स फ्रॉम क्लास स्कोप फ्रॉम दोज विद ऑब्जेक्ट स्कोप। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फीचर को, मतलब किसी एट्रीब्यूट या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, दैट मीन्स दैट इज एन क्लास स्कोप, एंड जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टेंस स्कोप। क्लियर है? दैट मीन्स दिस इज माई नॉर्मल मैथड्स और नॉर्मल मेम्बर फंक्शन, जबकि ये जो होगा वो मेरा क्या होगा, स्टेटिक मैथड और स्टेटिक मेम्बर फंक्शन। क्लियर है? सो द कन्वर्जन इज टू लिस्ट एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन विथ क्लास स्कोप एट द टॉप ऑफ द एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन बॉक्सेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जनरली हम क्लास स्कोप को सबसे ऊपर लिखते हैं और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट स्कोप को लिखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में भले नीचे लिखा गया है लेकिन क्लास स्कोप को हमें कहाँ लिखना चाहिए, हमें ऊपर लिखना चाहिए। क्लियर है? तो हम क्लास डायग्राम में स्कोप भी बता सकते हैं कि पर्टिकुलर, अच्छा अब हमने जो पढ़ा था कि लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, तो जहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। क्लियर है? एवरी वेरिएबल शुड बी इनसाइड अ क्लास। अब इनसाइड अ क्लास या तो वो इंस्टेंस में जाएगा या तो वो क्लास में जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस में जाएगा तब जब हमको डायरेक्टली लिखेंगे और क्लास में जाएगा जब उसमें हम स्टेटिक लगाएंगे। अगर हम उसको स्टेटिक लगा दे रहे हैं, दैट मीन्स वो क्लास का वेरिएबल हो गया, वो अब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ना रहा, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, तो लोकल और लोकल और ग्लोबल जो स्कोप था वो हमें यहाँ पे डिस्प्लेन नहीं करना है, क्योंकि ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं एनरी एसोसिएशंस। सो बाइनरी एसोसिएशन आर एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस, हाउएवर यू मे ओकेशनली इनकाउंटर एनरी एसोसिएशंस, दैट इज एसोसिएशन अमंग थ्री और मोर क्लासेस। ठीक है, तो बाइनरी एसोसिएशन हमने पढ़ा था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि दो पर्टिकुलर क्लास के बीच में एक हम क्या कर रहे थे, एसोसिएशन डिफाइन कर रहे थे, एक क्लास ये थी, एक क्लास आपकी दूसरी थी, ए एंड बी, ये टू क्लासेस में हम क्या कर रहे थे, एक एसोसिएशन डिफाइन कर रहे थे, तो उसको हम बोल रहे थे बाइनरी एसोसिएशन। अब हमें अगर एनरी एसोसिएशन डिफाइन करना है, दैट मीन्स एसोसिएशन अमंग थ्री क्लासेस। ठीक है, तो एसोसिएशन अमंग थ्री क्लासेस के लिए हमें थ्री क्लासेस बनानी पड़ेंगी। ये हो गई हमारी ए क्लास, ये हो गई हमारी बी क्लास, और ये हो गई हमारी सपोज सी क्लास। अगर हमारे पास थ्री क्लासेस हैं तो इनके बीच में हम एसोसिएशन डिफाइन कर सकते हैं थ्रू डायमंड बॉक्स। क्लियर है? सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड एनरी एसोसिएशन, मोस्ट ऑफ देम कैन बी डिकम्पोज इनटू बाइनरी एसोसिएशन विद पॉसिबल क्वालिफायर्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए कि ये जो एनरी एसोसिएशन है इनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है? सो फिगर बिलो शोज एन एसोसिएशन दैट एट फर्स्ट ग्लांस माइट सीम टू बी एन एनरी एसोसिएशन बट कैन बी रीडली स्टेटेड एज बाइनरी एसोसिएशन। तो अगर हम एक लाइन पढ़ें कि अ पर्सन टेक्स द परचेस ऑफ स्टॉक इन अ कंपनी, तो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन परचेस और स्टॉक
सॉरी कंपनी, इन तीनों में मुझे क्या करना है कि एक लग रहा है कि एक एनआरई एसोसिएशन है कि पर्सन जो है ये परचेस करेगा इस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है? तो हमें कुछ इस तरह मॉडल करना चाहिए, पर्सन कंपनी परचेस, और इन तीनों के बीच में क्या करना है, हमें एनआरई एसोसिएशन डिफाइन करना है, ठीक है? सो इट कैन बी रीस्टेटेड एज पर्सन परचेस एंड कंपनी। तो पर्सन टू परचेस में हमने क्या कर दिया है, एक बाइनरी एसोसिएशन डिफाइन किया है कि वन पर्सन कैन परचेसेस एनी नंबर ऑफ, तो पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ स्टॉक। सिमिलरली अ कंपनी में जो स्टॉक परचेस होगा वो एक से ज्यादा परचेस हो सकता है। सो वन टू मैनी फ्रॉम कंपनी टू परचेस एंड वन टू मैनी फ्रॉम वन पर्सन टू परचेस, क्लियर है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्नरी जो एनरी हमने एसोसिएशन था उसको हमने क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, ये फिगर शोज ए जेन्युइन जेन्युइन एनरी एसोसिएशन, प्रोग्रामर्स यूज कंप्यूटर लैंग्वेजेस ऑन प्रोजेक्ट्स। तो जैसे हमने इसको तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपका वो कन्वर्ट हो पाए। तो उसका एक एग्जांपल बता रहा है कि प्रोजेक्ट पर्सन लैंग्वेज, ठीक है? ये क्यों कन्वर्ट हो पाया इसमें, क्योंकि एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा परचेस कर रहा था और एक पर्टिकुलर कंपनी का एक से ज़्यादा परचेस हो रहा था। सो कहीं ना कहीं ये वन टू मैनी था, तो उसको हमने वन टू मैनी करके बाइनरी एसोसिएशन बना दिया। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैनी टू मैनी है, एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा पर्सन होंगे जो प्रोग्रामर्स होंगे, और वो जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सब का सब जो है वो मैनी टू मैनी है। सो दिस एनरी एसोसिएशन इज एन एटॉमिक यूनिट एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इन टू बाइनरी एसोसिएशन। सो दिस पर्टिकुलर क्लास डायग्राम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इन टू बाइनरी एसोसिएशन विदाउट लॉसिंग इंफॉर्मेशन। मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो अ प्रोग्रामर मे नो अ लैंग्वेज एंड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बट माइट नॉट यूज द लैंग्वेज ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ हमने स्टार लगा दिया, दैट मीन्स दिस इज जीरो डॉट डॉट स्टार। जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करे ही, ठीक है? तो द यूएमएल डायग्राम फॉर एनआरई एसोसिएशन इज एन डायमंड विथ लाइंस कनेक्टिंग टू रिलेटेड क्लासेस। तो दिस इज माई एनआरई एसोसिएशन, क्लियर है? इफ एन एसोसिएशन हैज ए नेम इट इज रिटन इन इटैलिक्स नेक्स्ट टू द डायमंड। यहाँ पर हमने देखे कहीं पे भी एनआरई एसोसिएशन का नाम नहीं दिया है। अगर आपको एसोसिएशन का नाम देना है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देना है कि वर्क्स, तो इसको हमें इटैलिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है? अंडरलाइन नहीं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इटैलिसाइज करना पड़ेगा, क्लियर है? ये जो वर्क्स हम यहाँ लिखेंगे इसको हम लिखेंगे इटैलिक में। फिर देखते हैं, एज फिगर इलस्ट्रेट्स एन एनआरई एसोसिएशन कैन हैव ए नेम फ्रॉम ईच एंड जस्ट लाइक ए बाइनरी एसोसिएशन। तो हम इसमें एसोसिएशन एंड नेम्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? एनआरई एसोसिएशन में भी हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन एंड नेम यूज कर सकते हैं, जैसे हम बाइनरी एसोसिएशन में यूज करते हैं। सो एंड नेम्स आर नेसेसरी इफ ए क्लास पार्टिसिपेट इन एन एनआरई एसोसिएशन मोर देन वंस। एक से ज़्यादा अगर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नेसेसरी है, ये तो हमने बाइनरी में भी पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा एसोसिएशन है तो हमें नेसेसरी डिफाइन करना है। एंड यू कैन नॉट ट्रैवर्स एन एनरी एसोसिएशन, ठीक है? जैसे हमने बाइनरी एसोसिएशन में हमने रूल पढ़ा था कि हमें कहाँ से कहाँ ट्रैवर्स करना है, ठीक है? यहाँ पे हमें ट्रैवर्सल पाथ नहीं मिलता है, ठीक है? सो वन एंड टू अनदर जैसा हम बाइनरी एसोसिएशन में करते थे, यहाँ पे हमारे पास ट्रैवर्सल पाथ्स नहीं है, ठीक है? तो यहाँ हम नहीं बता सकते कि प्रोजेक्ट टू पर्सन फिर लैंग्वेज की प्रोजेक्ट टू लैंग्वेज टू पर्सन, ऐसा हम नहीं बता सकते। जबकि बाइनरी एसोसिएशन में पता रहता है कि कौन से क्लास को पहले एक्सेस करना है और कौन से क्लास को बाद में एक्सेस करना है। इसलिए बोला गया है कि एनआरई एसोसिएशन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए, इसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, बाइनरी एसोसिएशन में। फिगर बिलो शोज एनदर टर्नरी एसोसिएशन, अ प्रोफेसर टीचेस अ लिस्टेड कोर्स ड्यूरिंग अ सेमेस्टर। अ प्रोफेसर टीचेस अ पर्टिकुलर लिस्टेड कोर्स, अ प्रोफेसर टीचेस अ लिस्टेड कोर्स ऑन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर, ठीक है? तो क्या पढ़ा रहा है,
उसके लिए हमने एक एसोसिएशन क्लास डिफाइन की है, डिलीवर्ड कोर्स, ठीक है, एसोसिएशन क्लास डिफाइन की है आपकी, डिलीवर्ड कोर्स विथ रूम नंबर, कि ये पर्टिकुलर लिस्टेड कोर्स को इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में पढ़ाएगा तो इस पर्टिकुलर रूम नंबर में क्या करेगा, पढ़ाएगा, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया, एक और एसोसिएशन डिफाइन किया है कि जो डिलीवर कोर्स है उसके एक से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, और एक टेक्स्ट बुक जो है वो एक से ज़्यादा लिस्टेड पर्टिकुलर डिलीवर कोर्स की हो सकती हैं, क्लियर। अब ये जो पर्टिकुलर एनरी एसोसिएशन है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह बाइनरी एसोसिएशन में, प्रोफेसर, एक प्रोफेसर जो है वो एक से ज़्यादा, एक प्रोफेसर एक से ज़्यादा डिलीवर्ड कोर्सेस लिस्टेड कोर्स को डिलीवर कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर लिस्टेड कोर्स के एक से ज़्यादा डिलीवर्ड कोर्सेस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में एक से ज़्यादा डिलीवर कोर्सेस हो सकते हैं, और ये जो हमने पढ़ाया था, जो एसोसिएशन बनाया था कि एक पर्टिकुलर डिलीवर कोर्स की एक से ज़्यादा टेक्स्ट बुक होती हैं, एक टेक्स्ट बुक एक से ज़्यादा डिलीवर कोर्सेस की हो सकती हैं, क्लियर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी एसोसिएशन, ठीक है। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें बाइनरी एसोसिएशन ही बनाना है, हमें टर्नरी एसोसिएशन या एनरी एसोसिएशन की तरफ मूव नहीं करना है, क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट, आवाज आ रही है सबको? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। तो दो टाइप की हमने हमें वो पढ़ी थी रिलेशनशिप, एक हम पढ़ते थे ईजा रिलेशनशिप, एक हम पढ़ते थे हैजा रिलेशनशिप, ठीक है। तो ईजा रिलेशनशिप जब भी हम पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट आता था, होता था इनहेरिटेंस, ठीक है। अ क्लास इज एन काइंड ऑफ अनदर क्लास, ठीक है, ये हो जाता था हमारा इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सेकेंड, वो होता है हमारा हैजा रिलेशनशिप। तो हैजा रिलेशनशिप में हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक पढ़ना है हमें एग्रीगेट एग्रीगेशन, और दूसरा हमें पढ़ना है कंपोजिशन, क्लियर है। तो वन बाई वन देखते हैं। एन एग्रीगेशन इज एन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इन विच एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, यहाँ पे नया चीज आ गया हमारा, मेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर क्लास का कोई दूसरा क्लास पार्ट हो जाता है वहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, एग्रीगेशन यूज करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट, सो द एग्रीगेट इज सिमेंटिकली एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रीटेड एज ए यूनिट इन मैनी ऑपरेशन, ऑल्दो फिजिकली इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेसर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास डायग्राम है, जिस क्लास डायग्राम हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास है लॉन मोअर, ठीक है, और इसके हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट डिफाइन किए हैं, लॉन ब्लेड डिफाइन किया हमने, इंजन डिफाइन किया, व्हील डिफाइन किया एंड डेक डिफाइन किया है, ठीक है। तो ब्लेड इज एन इंडिविजुअल क्लास, अब ब्लेड जो क्लास है इट इज एन पार्ट ऑफ लॉन मोअर, ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ऑफ। सिमिलरली इंजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉन मोअर, व्हील इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉन मोअर एंड डेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉन मोअर। तो एक पर्टिकुलर लॉन मोअर में हमारे पास क्या क्या रहेंगी, ब्लेड रहेगी, इंजन रहेगी, व्हील रहेगा और डेक रहेगा। एक पर्टिकुलर लॉन मोअर में एक ही ब्लेड रहेगी, एक ही इंजन रहेगा, एक से ज़्यादा व्हील्स हो सकते हैं और एक ही डेक होगा। लेकिन अगर मैं ब्लेड की बात करूँ तो ब्लेड जो है एक से ज़्यादा लॉन मोअर में यूज़ कर सकते हैं हम, इंजन जो है एक से ज़्यादा लॉन मोअर में यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली व्हील भी जो है हमारा एक से ज़्यादा लॉन मोअर में यूज़ हो सकता है और डेक भी हमारा एक से ज़्यादा लॉन मोअर में यूज़ होता है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन की है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें एग्रीगेशन डिफाइन करना है, तो एग्रीगेशन के लिए हमने यहाँ पे एक नया सिंबल दे दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डायमंड बॉक्स लगा दिया है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ब्लेड इज एन पार्ट ऑफ, ब्लेड इज एन पार्ट ऑफ लॉन मोअर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी रिलेशनशिप आ रही है वो आ रही है पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, जहां भी पार्ट आ जाता है वहां पर हम यूज करते हैं एग्रीगेशन, क्लियर है। अब एग्रीगेशन वर्सेस एसोसिएशन में
पढ़ते हैं कि एग्रीगेशन इज एन स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। तो ये एसोसिएशन का ये पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ। सो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर टाइटली बाउंड बाय पार्ट होल रिलेशनशिप, ठीक है, दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मेरे पास पार्ट होल रिलेशनशिप मिलती है, तो वहां पे मैं क्या यूज करता हूँ, एग्रीगेशन यूज करता हूँ। मतलब वन क्लास इज एन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट क्लास। क्लियर। सो इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट इवन दो दे माइट ऑफन बी लिंक्ड, इट इज एन एसोसिएशन। दैट मीन्स दो पर्टिकुलर क्लास हैं टोटली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, दो क्लासेस हैं, एक क्लास ये एक क्लास ये। फॉर एग्जाम्पल टीचर एंड कोर्स, ये दोनों एकदम इंडिपेंडेंट है, तो इनके बीच में हम लगाते हैं एसोसिएशन, ठीक है। मतलब इसका अलग इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, इसके ऑब्जेक्ट्स अलग बनेंगे, टोटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, इनके जो ऑपरेशन हैं इनके ऑपरेशन से टोटली अलग हैं, ठीक है, तब हम लगाते हैं एसोसिएशन। एंड सम टेस्ट एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली कंटेन इंडिपेंडेंट इवन दो दे आर, हाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमें कहाँ कहाँ पे एग्रीगेशन लगाना है, तो उसके लिए टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट व्हेन यू यूज द फ्रेज पार्ट ऑफ, तो जहाँ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप आ जाती है वहां पर हम लगाना है एग्रीगेशन। डू सम ऑपरेशन ऑन द होल ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू इट्स पार्ट्स, मतलब इसमें जो ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास नेम डिफाइन किया, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया, हमने ऑपरेशन डिफाइन किया, तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो इसके लिए भी अप्लाई होगा, तब भी हम क्या लगाएंगे, एग्रीगेशन लगाएंगे। डू सम एट्रीब्यूट वैल्यूज प्रोपोगेट फ्रॉम द होल टू ऑल और सम पार्ट्स, मतलब इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो हैं ये डिफाइन करती है, या इसमें भी वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यूज यूज कर सकते हैं, तब भी हम क्या लगाएंगे, एग्रीगेशन। एंड इज देयर एन इंट्रिंसिक सिमेट्री टू द एसोसिएशन वेयर वन क्लास इज सबऑर्डिनेट टू अदर, ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो क्लास है, ये पर्टिकुलर क्लास का ये पार्ट है, अब इसका एक पर्टिकुलर क्लास का और पार्ट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ ट्रांजिटिविटी और एसिमेट्रिक फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। सो एग्रीगेशन इंक्लूड बिल ऑफ मटेरियल्स, पार्ट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, मतलब हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन यूज करते हैं। सो एग्रीगेशन इज ड्रॉन लाइक एसोसिएशन एक्सेप्ट ए स्मॉल डायमंड इंडिकेट द असेंबली एंड, ठीक है, तो हम स्मॉल डायमंड क्या करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं कि वो किसका पार्ट है, ठीक है, सो दिस इज एन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिशन। सो द यूएमएल हैज टू फॉर्म्स ऑफ पार्ट होल रिलेशनशिप, अ जनरल फॉर्म कॉल्ड एग्रीगेशन एंड मोर रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म कॉल्ड कंपोजिशन। तो जब भी हम पार्ट होल रिलेशनशिप यूज करते हैं तो हम या तो यूज करते हैं एग्रीगेशन या तो हम यूज करते हैं कंपोजिशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। कंपोजिशन इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन विद टू एडिशनल कंस्ट्रेंट्स। एडिशनल कंस्ट्रेंट्स क्या है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कैन बिलोंग टू एटमोस्ट वन असेंबली, ठीक है, पहला जो है वो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर आपका क्लास है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्लास है, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं या पार्ट बता रहे हैं कि दिस इज एन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कैन बिलोंग टू एटमोस्ट वन असेंबली, मतलब ये एक को ही क्या कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप है, यहाँ पर आ गई वन, पहला जो कंस्टेंट आ गया कि वो एक ही असेंबली को बिलोंग करेगा। फर्दर मोर वंस ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैज द असाइंड एन असेंबली, इट हैज एन कॉन्स्टिट्यूएंट लाइफ टाइम विद द असेंबली, ठीक है, तो जब मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को इसके अंदर असाइन किया है, मतलब इसका एक लाइफ टाइम है कि जब तक ये रहेगा तब तक ये रहेगा, जैसे ही मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता, एग्रीगेशन में क्या होता है, ये और ये जो है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी रहती है कि ये इसका पार्ट है, लेकिन वो क्लास जो रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है। जबकि यहाँ पर क्या रहता है, ये होल डिफाइन करता है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो इसका भी लाइफ टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है।
डज द कंपोजिशन इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ द पार्ट्स बाय द होल? इट कैन बी कन्वीनियंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग, डिलीशन ऑफ एन असेंबली ऑब्जेक्ट ट्रिगर्स डिलीशन ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट्स वाया कंपोजिशन। जैसे मैंने पहले कहा कि इफ यू डिलीट अ इस क्लास को अगर आपने डिलीट कर दिया तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये हमारा बताता है कंपोजिशन, जबकि एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल से पहले हमें नोटेशन देखना है। तो नोटेशन के लिए अगर हम कंपोजिशन यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर यूज करना है कुछ इस तरह, सॉलिड डायमंड, ठीक है, स्मॉल सॉलिड डायमंड। सॉलिड डायमंड मतलब इसको हमने फिल भी करना है। जबकि एग्रीगेशन अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो एग्रीगेशन में हम इसको फिल नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि इसमें हमें क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। सो दिस डिनोट्स एग्रीगेशन एंड दिस डिनोट्स कंपोजिशन, ठीक है। दोनों जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को बताते हैं, हैज अ रिलेशनशिप को बताते हैं। डिफरेंस बस ये है कि एग्रीगेशन में क्या होता है कि इफ दो क्लासेस हैं और इनमें अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये रहती है। जबकि अगर मैं कंपोजिशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है, कंपोजिशन मैंने डिफाइन किया, अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया तो ये मेरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि कंपनी डिविजन डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अ कंपनी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिविजन एंड फ्रॉम अ डिविजन वी कैन हैव अ पर्टिकुलर एनी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो विद इन अ डिविजन वी हैव डिपार्टमेंट्स, तो इस पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट है, इस डिविजन का जो है वो पार्ट है, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट इज एन पार्ट ऑफ दिस डिविजन, वंस यू डिलीट दैट डिविजन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। सिमिलरली विद इन अ कंपनी वी डिफाइन एनी नंबर ऑफ डिविजन्स, सो इफ वी डिलीट अ कंपनी all the divisions are deleted, similarly all the departments are also deleted, clear है। तो ये has a relationship जो है हमें दो type से maintain करनी रहती है, as aggregation and composition। अब इसमें difference आ सकता है exam में कि what is the difference between association, aggregation and composition, one by one देखते हैं। first one is association relationship denoted using arrow, तो एक arrow से हम क्या करते हैं, association define करते हैं। एग्रीगेशन रिलेशनशिप इज डिनोटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन विद एन एम्प्टी एरो हेड, ठीक है, एरो हेड हमने डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। एंड कंपोजिशन रिलेशनशिप डिनोटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन विद अ फील्ड एरो हेड, ठीक है, मतलब ये क्या रहेगा, आपका फील्ड रहेगा। सेकेंड हम देखते हैं, तो सेकेंड इज एसोसिएशन कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर क्लासेस इन यूएमएस। सिमिलरली एग्रीगेशन इज इन पार्ट ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप, तो जहाँ पे पार्ट ऑफ आ जाता है वहां पर हम यूज करते हैं एग्रीगेशन। कंपोजिशन भी आपका यूज होता है पार्ट ऑफ में, दोनों में हमारे क्या होता है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप अगर होती है तब हम बोलते हैं एग्रीगेशन या कंपोजिशन। थर्ड डिफरेंस हम देखते हैं कि देयर कैन बी वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी एसोसिएशन बिटवीन टू एसोसिएशन क्लासेस। एग्रीगेशन इज कंसिडर्ड एज वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो जैसे हम पढ़ते थे ईआर डायग्राम में स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही पढ़ना है। एग्रीगेशन जो होता है वो वीक एंटिटी टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेशन वीक एंटिटी होगा कि कंपोजिशन वीक एंटिटी होगा उसके केस में क्या होगा? अगर हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के संदर्भ में हम बात करें तो कौन सा होगा, वीक एंटिटी कंपोजिशन में होगा कि एग्रीगेशन में होगा? आवाज आ रही सबको? स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी अगर हम उसमें बोले तो क्या होगा, वो होगा हमारा कंपोजिशन, क्लियर है। तो ये बोल रहा है वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन, मतलब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा एसोसिएशन नहीं है अगर मैं एग्रीगेशन डिफाइन करता हूँ, जबकि यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन है, मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये भी मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन है जबकि ये वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन है,
क्लियर है। फोर्थ देखते हैं हम, इन एन एसोसिएशन रिलेशनशिप वन और मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड इन एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स दैट आर एसोसिएट विद ईच अदर कैन रिमेन इन स्कोप ऑफ ए सिस्टम विदाउट ईच अदर। तो एक स्कोप में वो रह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ए कंपोजिशन रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सेस विद ईच अदर कैन नॉट रिमेन इन स्कोप विद ईच अदर। तो एक ही स्कोप में वो नहीं रह सकते। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑब्जेक्ट। ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये हाईली डिपेंडेंट है अदर ऑब्जेक्ट्स पर। सिक्स देखते हैं, इन यूएमएल एसोसिएशन डिलीटिंग वन एलिमेंट मे और मे नॉट अफेक्ट अनदर। तो मैं दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर ये इंडिपेंडेंट रहता है, इसको डिलीट करने के लिए नहीं है। सिमिलरली इन यूएमएल एग्रीगेशन डिलीटिंग वन एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट टू अनदर एसोसिएटेड एलिमेंट। इसको अगर डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करने की नीड नहीं है। जबकि अगर मैं कंपोजिशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इसको डिलीट किया तो ये भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी सेवंथ वन इज दी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अ टीचर इज एसोसिएट विद मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो एक हमारे पास टीचर एंटिटी है, हमारा एक टीचर क्लास है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास है, इनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एसोसिएशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो अ कार नीड्स अ व्हील बट इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर द सेम व्हील। तो मतलब हमारे पास एक कार क्लास है, एक हमारे पास व्हील क्लास है, ठीक है। व्हील इज एन पार्ट ऑफ कार, ठीक है, कार में जो है व्हील्स रहेंगी, ठीक है। तो व्हील जो क्लास है, व्हील इज एन पार्ट ऑफ कार, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्हील जो है वो उस पर्टिकुलर कार की चो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि कार में वो सेम व्हील रहो, हम दूसरी व्हील भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ फाइल इज प्लेस इनसाइड अ फोल्डर। तो अगर मैं दो पर्टिकुलर क्लास बनाऊं, एक क्लास बनाऊं मैं फोल्डर और एक क्लास बनाऊं मैं फाइल, ठीक है, और इनमें मैं अगर एसोसिएशन डिफाइन करूं तो ये आ जाएगा मेरा कंपोजिशन, ठीक है, कि फोल्डर इज कंपोज ऑफ डिफरेंट फाइल्स। If you delete a folder, all the files inside the folder automatically gets deleted. ठीक है, अगर मैंने एक फोल्डर को डिलीट किया तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पार्ट ऑफ है, लेकिन ये होल पार्ट है, ये फाइल जो है कम्प्लीटली इस फोल्डर के अंदर ही रिसाइड कर रही है। तो अगर आपने इस फोल्डर को डिलीट कर दिया तो ये फाइल मेरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्लियर है। So this is the difference between association, aggregation and composition. Clear? Next one is the propagation of operations. ठीक है, तो अब इन एसोसिएशन एंड कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को प्रोपोगेट भी करते हैं, ठीक है। सो प्रोपोगेशन ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिगरिंग इज द ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ एन ऑपरेशन टू अ नेटवर्क ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट अप्लाइड टू सम स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल moving an aggregate moves its parts, the move operation propagates to the parts, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कार और व्हील, ठीक है, कार का मैंने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन डिफाइन किया है मूव, तो अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, एग्रीगेशन है। अब एग्रीगेशन में अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर व्हील भी मेरा मूव होगा ही, तो मेरा ये जो ऑपरेशन है ये प्रोपोगेट हो गया इस पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि पर्सन ओन्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का एक आपने ऑपरेशन डिफाइन किया है कॉपी, अब इस डॉक्यूमेंट का एक कंपोजिशन करके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्लास डिफाइन किया आपने पैराग्राफ। सो डॉक्यूमेंट कैन कंटेन पैराग्राफ, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट कॉपी किया तो पैराग्राफ भी कॉपी हो जाएगा। पैराग्राफ कैन कंटेन कैरेक्टर्स, पैराग्राफ ने कॉपी किया तो कैरेक्टर्स भी कॉपी हो जाएंगे। सो वन पैराग्राफ कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वन डॉक्यूमेंट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिशन मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन मेरा यहाँ भी प्रोपोगेट हो रहा है, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन मेरा यहाँ भी प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है।
और हम यहाँ यूज कर रहे हैं कंपोजिशन। क्लियर है? यहाँ तक छोड़ूं कि ये पढ़ना है आजकल? यहाँ तक रहने दें। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर।